नमस्कार वीक्षकरे, यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस नल्ली तमगेल्लरिगू स्वागत। नानु निम्मोंदिगे तौसीफ। बिजापुर शहर के 4 नंबर उर्दू स्कूल में रिपब्लिक डे के मौके पर एडवोकेट लाहौरी सर के हाथों फ्लैग होस्टिंग किया गया। इसी मौके पर ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन की ओर से बच्चों को स्कूल बैग दिए गए और सामाजिक लोगों की ओर से देश में बढ़ती महामारी को लेकर बच्चों की अच्छी सेहत के लिए मास्क दिए गए। इसी के चलते हमारे माध्यम से चेयरमैन एडवोकेट लाहौरी सर, ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन के अध्यक्ष इम्तियाज मुल्ला, अब्दुल रजाक यस पटेल, अनवर दरगाह और यासीन जिगर ने बात की। इस सेलिब्रेशन में टीचर स्टाफ, स्टूडेंट, ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन और सामाजिक लोग रहे मौजूद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस मुबारक मौके पर हमारे मादरे वतन मुल्क अज़ीमुश्शान मुल्क हिंदुस्तान के 73वीं यौम जमहूरिया के मौके पर गर्ल्स स्कूल नंबर 4 में जो ये प्रोग्राम हुआ है, बच्चे अपने अपनी सलाहियतों का इजहार किए हैं। इन मासूम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमारे ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन, इंसानियत की फ़िक्र की एसोसिएशन एक बहुत ही बेहतरीन इदारा है, जिसके सरबराहें जनाब इम्तियाज साहब, मैं काबिले मुबारकबाद हैं इनके अमल मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से हमारे शकील भाई और इनकी टीम को और पूरे माशरे की जानिब से, वालिदैन की जानिब से, कि इस मुबारक मौके पर बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए इन्होंने स्कूल बैग्स तकसीम किए। तालीमी मैदान में इनकी हौसला अफजाई का ये जो अमल है बहुत ही मुफीद और बहुत ही मुबारकबाद अमल, काबिले मुबारकबाद अमल है। साथ ही साथ हमारे स्कूल के एक और टीचर मैडम यस्म इनामदार साहबा अपनी जानिब से स्कूल की खिदमत में 6 कुर्सियाँ दिए हैं, इसके लिए भी मैं एसडीएमसी कमेटी की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे अब्दुल रजाक साहब बच्चों के लिए मास्क तकसीम किए, जो उनके सेहत का ख्याल करते हुए जो मास्क तकसीम किए, इसके लिए भी मैं एसडीएमसी की जानिब से और स्कूल के असातिज़ा की जानिब से, वालिदैन की जानिब से और पूरे हमारे माशरे की जानिब से इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी तालीमी मैदान में, तालीमी सफ़र में इन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए, इनके हौसले बढ़ाने के लिए ये स्कूल को आते रहेंगे और अपनी ये ग्रां खिदमात अंजाम देते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बशरुज़्ज़मा लाहौरी, चेयरमैन एसडीएमसी कमेटी उर्दू गर्ल्स स्कूल नंबर 4। बिगो यौमी जमहूरियत की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन के जानिब से आज जो है स्कूल नंबर 4 में बच्चों को बैग तकसीम किया गया है। ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन का मकसद सिर्फ यही है कि आजकल ये जो बच्चे हैं एजुकेशन में, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह मुझे देखकर इतना अच्छा लगा कि एक प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी सहूलियात हैं यहाँ पर, कि उनका ड्रेस कोड, उनका जो मास्क पहनना है, जो एजुकेटेड जो टीचर्स हैं, हम सारे लोग, हमें स्पेशली उर्दू गवर्नमेंट स्कूलों में हो या कनाडा गवर्नमेंट स्कूलों में हो, इनको ख्याल रखते हुए एजुकेशन का हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ले वालों की ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर फ़िक्र करें, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का फ्यूचर हैं। कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। देश में जो आगे हालात आए हैं
उसे सुधारने के लिए ये बच्चों का इलम बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमारी एनजीओ की तरफ से हमारे अनवर दरगाह साहब, अयूब कालेबाग साहब, इरफान कडली मट्टी, शफीक जमादार, उमर पठान, ताई रोजे वाले, ऐसे सारे लोग हम मिलकर एजुकेशन के ख्याल रखते हुए यहाँ पर आकर बैग का तकसीम किया गया है। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा आप ख्याल रखें। लॉकडाउन में हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ठंड के सीज़न में ब्लैंकेट्स ड्राइव किया था, और लास्ट टाइम 15 नंबर गवर्नमेंट स्कूल में प्लेट्स और ग्लास दिए थे, और जो है हम चंद लोगों को डिसाइडेड टैबलेट्स और फूड किट्स भी मैं मंथली देते हैं, और साथ ही साथ हर तरीके से जो हमें समझ में आता है सही जगह हमारी खिदमत लग रही है तो हम उनको कंटिन्यूसली मदद करने के लिए आगे रहते हैं। हमारी टीम उसे गौर व फिक्र करके काम को अंजाम देती है। आज इसी तरह से यहाँ पर 4 नंबर स्कूल गर्ल्स स्कूल में बैग्स दिए हैं। सर आपको कहीं से फंडिंग मिली है? नहीं, फंडिंग तो अभी तक हमने किसी पास से नहीं ली है। ये सब जो फंड हो रहा है हमारे दोस्त अहबाब जो हमारी टीम के मेंबर हैं, हम ही कंट्रीब्यूशन करके, और जो ख़ास कलीग दोस्त हैं हमारे जो हमें समझ सक कर देते हैं, वैसे हमारे दोस्तों में होता है, बाहर से कुछ फंडिंग नहीं है हमारा। इम्तियाज़ मुल्ला, वैनिटी के रसोशियल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम 4 नंबर स्कूल में खड़े हुए हैं और यहाँ के सदर जनाब मेरे हरदिल अजीज लाहौरी साहब और मेरे सहयोगी मेरे मित्र के बन्नट्टी, यासीन जिगर, हम सब भी मिलकर आज 4 नंबर स्कूल के बच्चों का हौसला अफजाई के लिए कुछ छोटी खिदमत हम अंजाम दिए हैं। ये कोई बड़ा कमाल नहीं है हमारा, तो मैं माध्यम के ज़रिए सिटी बीओ और इस राज्य सरकार को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये क्योंकि सरकारी स्कूल में बिल्कुल मिडिल क्लास के बच्चे आने वाले, हाई सोसाइटी के हाई कॉलेजों में स्कूलों में बच्चे हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, तो मेरा मतलब सरकारी स्कूल में बिल्कुल मिडिल क्लास के बच्चे होंगे और इन्हीं बच्चों का फ्यूचर है आगे। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य होता है, क्योंकि ये बच्चे कोई पायलट हो सकता है, कोई आईपीएस हो सकता है, कोई कुछ भी अपना एक फ्यूचर बना सकता है, तो उनमें ज़्यादा सहयोग टीचर लोगों का होता है, तो टीचर लोग इनको ट्रेन करेंगे तो ये बच्चों का फ्यूचर बनता है। तो इसी ख्याल को रखते हुए हमारी राज्य सरकार भी कुछ शालाओं को अनुदान देना है, बजट देना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी काम है स्कूल का, तो मैं ये माध्यम के ताल्लुक से मैं मैसेज देना चाहता हूँ बीओ को और राज्य सरकार को कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करे और इन बच्चों का फ्यूचर बनाए। बस इतना कहकर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता। मैं अब्दुर्रज़ाक एस पटेल, समाजवादी जनता पार्टी कर्नाटक स्टेट जनरल सेक्रेटरी। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जानते हैं आज 26 जनवरी के मौके पर, रिपब्लिक डे पर, हमने 4 नंबर स्कूल गर्ल्स में कुछ बैग तकसीम किए हैं, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ हमारे ह्यूमैनिटी केयर का, जो हमेशा कुछ ना कुछ वर्किंग करते रहते हैं। और यहाँ पे जो बैग तकसीम किया गया है यहाँ के बच्चों के लिए, और मैं चाहता हूँ कि और ना और कुछ ना कुछ यहाँ पे इनके लिए करते रहें, और हमारे ग्रुप के तरफ से मैं इनका जो जितने भी यहाँ पे हास वगैरह तकसीम किया है और जो भी एनजीओस कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
पहली बार पहली मतलब क्या है, इससे पहले भी आपने कुछ किया है आपके? हमारे होम्युनिटी केयर की तरफ से इससे पहले हमने फूड और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आज भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे करते रहेंगे। ये आपको एक करके क्या मिलता है? देखिए, ये खिदमत करना ये हमारा इंसानियत का काम है और अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए इंसान को बनाया गया है, वरना फरिश्ते कब नहीं खुदा की इबादत के लिए। ये हमारा काम है लोगों की खिदमत करना, और मैं चाहता हूँ कि तमाम लोगों से कि हमारे साथ ज्वाइन होकर भी हमारा साथ दे सकते हैं एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे बहुत सारे काम भी हैं जो हमें मिलकर करना है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी हमसे जुड़कर हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमसे वो रास्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इससे बड़े पैमाने पर हर जगह जगह हम ऐसे सोशल काम करते रहेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम अनवर हुसैन है। मैं यासिन जिगर, एस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस एडिटर, और हमारे शकील अहमद, एस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस के चीफ एडिटर, और हमारे साथी डी एस पटेल साहब, बनट्टी साहब, हम सब मिलकर आज ये 4 नंबर स्कूल में ये मास्क तकसीम करने के लिए आए हुए हैं। और जैसा कि पटेल साहब ने कहा है कि हमारे इस गवर्नमेंट स्कूल को ज़्यादा सरकार का ध्यान होना चाहिए, और सबसे पहले और आज यहाँ पे हम गेस्ट के आए हैं इस 4 नंबर स्कूल के सभी मेम्बरान का, असातिज़ा और सदर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें यहाँ पर ये सुनहरा मौका उन्होंने दिया। और आप सब से भी गुजारिश करते हैं, हम देशवासियों से, साथियों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस गवर्नमेंट सरकारी स्कूल के बच्चों का या स्कूलों का आप ध्यान दें, हर तरफ से ताउन करने की आप कोशिश करें। आज हम हमारे साथियों के साथ में हम बच्चों के लिए मास्क बांटते हैं, और आइंदा अगले फ्यूचर में हम हर तरह से जो जो भी खिदमत हो सके करने की हम कोशिश करना चाहते हैं।
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.